जो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने डिस्कशन में, उसका नाम है प्रेपोजिशंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हमें मदद करते हैं प्रेपोजिशंस, बहुत सारी इससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो हम देख रहे हैं प्रेपोजिशंस क्या है। हमने पहले तो पढ़ लिया था कि इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब हैं, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो प्रेपोजिशंस हैं। इंग्लिश में जो प्रेपोजिशंस हैं इसका क्या काम है, पहले हम ये समझते हैं। प्रेपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजिशन को बताने में हेल्प करते हैं, ये टाइम को बताने में हेल्प करते हैं, ये डायरेक्शन को बताने में हेल्प करते हैं। तो ये अलग अलग काम है प्रेपोजिशन के। आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रेपोजिशन हमें पोजिशंस को बताने में हेल्प करते हैं। तो हम आज पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को। इसको समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, सामने गाड़ी ना रखी है, आप गाड़ी को देख सकते हो बड़े आराम से। अब देखो गाड़ी के आसपास सारे के सारे डॉट्स लगे हुए, तो ये हम समझेंगे क्या है। जैसे इन का मतलब होता है अंदर, जैसे मान लो ये लड़का गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, इसका नाम मान लो कि राम है, तो आप बोलोगे राम इज इन द कार, इनका मतलब अंदर। ऐसी नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओन, ओन का मतलब होता है ऊपर, टच कर रहा है। जैसे कि आप मानो कि ये कोई ग्लास है, ये गाड़ी के ऊपर छत पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द ग्लास इज ऑन द कार। ओन का मतलब ऊपर है, छू रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवर, ओवर का मतलब होता है कम हाइट पर, जो कोई चीज़ कम हाइट पे होती है और गाड़ी की डायरेक्शन में ही है, उसी दिशा में हूँ, इसके लिए ओवर लगता होता है। जैसे ये जो पक्षी है ये दे आर अबव द कार। ऐसी अगर कोई चीज़ साइड पे हो और ज़्यादा हाइट पे हो तो उसके लिए होता है अबव। मान लो कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ज़्यादा सिर पे हाइट पे होता है, तो हम बोलते हैं द हेलीकॉप्टर इज अबव आर हेड, और जो बर्ड इज ओवर द हेड या ओवर द कार। तो जो कम हाइट पे होता है वो ओवर होता है, ज़्यादा हाइट पे होता है वो अबव होता है। ऐसे देखते हैं इनटू का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर आना। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो इनटू होता है। जैसे मानो ये कोई लड़का है, इसका नाम हम लिख देते हैं श्याम, तो श्याम केम इनटू द रूम, तो श्याम रूम के अंदर आया। इनटू का मतलब अंदर आना। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर जाना। जैसे आप समझो कि ये कोई लड़का है, इसका नाम मान लो क्या है, इसका नाम के रख देते हैं, और ये लड़का अंदर से बाहर चला गया, राम वेंट आउट ऑफ द रूम। आउट ऑफ का मतलब अंदर से बाहर जाना। ऐसे ही क्या है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे हम ऐसे कह देते हैं ये हमने घर बना दिया, और गाड़ी के पीछे क्या है, एक घर बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द होम इज बिहाइंड द कार। घर क्या है, गाड़ी के पीछे है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे ये कोई साइकिल है और साइकिल क्या है, गाड़ी के सामने खड़ी है, तो हम कहते हैं साइकिल इज इन फ्रंट ऑफ द कार। फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे आप मानोगे ये कोई सूरज है, और सूरज से हमें क्या मिलता है, रोशनी मिलती है। जहाँ से हमें कुछ मिले उसको बताने के लिए फ्रॉम है, से। फ्रॉम का मतलब से होता है। जैसे फ्रॉम सन, कि सन से हमें रोशनी मिलती है। ऐसी फ्रॉम राम यानी कि राम से, ऐसी फ्रॉम श्याम यानी कि श्याम से। ऐसी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई बुक बना देते हैं, ये कोई बुक किताब पड़ी हुई है और किताब गाड़ी के नीचे पड़ी है, तो क्या बोलेंगे, द बुक इज अंडर द टेबल। थ्रू का मतलब होता है आर पार। जैसे ट्रेन क्या करती है, एक तरफ से घुसती है सुरंग के और दूसरी तरफ से बाहर कर आ जाती है, तो जब एक तरफ से एंटर करे दूसरी तरफ से बाहर आ जाए, इसको बोलते हैं थ्रू। तुम क्या बोलेंगे, द ट्रेन गोज थ्रू द टनल। ट्रेन टनल यानी कि सुरंग के एक तरफ से एंटर करती है, एक तरफ से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है टू, टू का मतलब होता है जाने के लिए, और फ्रॉम का मतलब होता है आने के लिए। कहीं जाने के लिए टू होता है और कहीं से आने के लिए फ्रॉम होता है। जैसे आप बोल सकते हो, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो हम आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो जाने के लिए क्या होता है टू, और अगर आप आ रहे हो तो आप बोलोगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो जाने के लिए तो होता है टू और आने के लिए होता है फ्रॉम। तो ये हमने कुछ बेसिक आइडिया लिया प्रेपोजिशंस का।
आप ये रिपीट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।